Hello everybody, welcome to the channel. Thank you for joining me everyone. And this reading is going to be on Sumbul and Farman's relationship dynamics. It's not going to be a very elaborate one. I'm just checking, you know, what is happening, overall happening. So let's pick up the energies first. Let's see what is really happening in their life. If I go back and think about the रिलेशनशिप गाइडेंस जो सुम्बुल और फहमान का सितंबर टू दिसंबर में किया था विद दैट ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स, आई रिमेम्बर कि अराउंड अक्टूबर दे वुड, उसमें प्रेडिक्शन था कि दे विल बी ऑफर्ड सम अपॉर्चुनिटी टुगेदर, जिसमें वो अकॉर्डिंग टू द रीडिंग दे विल कंसिडर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. बट अल्टीमेटली एस ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स आया था, जहां पे हमें लगा था कि शायद यस इट विल नॉट वर्क आउट. तो वहीं तक की रिलेशनशिप डायनामिक्स मुझे इनकी याद है. अभी फिलहाल इनका क्या हो रहा है नहीं पता है, चलिए देखते हैं कि क्या होता है. यू कैन ऑलवेज लेट मी नो इफ इट रेजोनेट्स और नॉट. सो डियर एंजल्स, वी थैंक यू सो मच फॉर द डिवाइन गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर ऑल द फैन फॉर द सुम्बुल फहमान रिलेशनशिप डायनामिक्स एट द मोमेंट. एंड दिस इज वॉट इट इज. Okay, so this wants to come out. Sumbul Pharma and relationship dynamics. We thank you so much for the guidance, dear angels. Thank you so very much. So what is mostly happening in their relationship? Chaos and conflict. All right. So looks like there is a lot of chaos and conflict happening in their relationship. A very clear card. And yahan pe kya ho raha hai? Cheerfulness. एक तरफ chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट है, एक तरफ cheerfulness है. What is really happening in their life? मुझे लगता है कि कुछ major changes हो रहा है उनके life में. Rather उनके relationship में. Some major change is happening in their relationship. Chaos भी है, conflict भी है. And साथ में है cheerfulness. So can we please note your angels, what is happening in Sumbul and Vaman's life about their relationship dynamics? We thank you so much for this guidance. Okay. So let me take this. Three of Pentacles in reverse mein hai. Give me a moment, guys. All right, so we have three of pentacles in reverse. We have the devil ka card here. Okay, ye devil ka card Sumbul ke bhi card mein reading mein aaya tha, and it was at the same place in the center. That means it is in the present moment. Yahan pe bhi ye present mein hai, Sumbul ki reading mein bhi present mein hai. So there is some devil energy. To hum Sumbul ki reading mein jo devil ka card hum dekh rahe the na, looks like दैट इज रिलेटेड विथ फहमान. ओके, वो डेविल की जो एनर्जी थी, इल्यूजन था, वो फहमान से रिलेटेड है. और द फूल्स जर्नी. ओके, ये फूल का कार्ड फहमान की रीडिंग में आया था, द अदर रीडिंग दैट आई हैड डन. एंड क्वाइट पॉसिबली यहाँ पे ही फहमान अटक रहा है. यू नो, ही वॉन्ट्स टू टेक सम डिसीजन रिलेटेड विद दिस रिलेशनशिप. बिकॉज द फूल्स जर्नी इज इन रिवर्स, यानी कि एक वो नई जर्नी स्टार्ट करना चाह रहा है शायद अपने लाइफ में, जहाँ पे ये वो सुम्बुल को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहा है, बट अभी डिसीजन वो नहीं ले पाया है. ओके,
अब उसके बारे में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि दिस फूल कार्ड हैड शोड अप इन हिज रीडिंग, इन हिज वन ऑफ हिज रीडिंग्स. सो जो एक क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग जो फामान के लाइफ में द फोक इन द रोड है ना, द फोक इन द रोड दैट इज गोइंग ऑन इन फामान्स लाइफ रिलेटेड विद सम मेजर डिसीजन दैट ही नीड्स टू टेक, ही वॉन्ट्स टू टेक, इज रिलेटेड विथ सिम्बुल. बैक ऑफ द डेक में हम देखेंगे द एम्परर इन रिवर्स में है. एम्परर कौन होता है? एम्परर इज समबडी हु इज लाइक यू नो वेरी गुड विथ डिसीजन मेकिंग, पर यहाँ पे वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है. जो कि हमने फामान की रीडिंग में क्या देखा था कि द मेजर एनर्जी इज दैट ही वॉन्ट्स टू टेक सम डिसीजन एंड ही इज नॉट एबल टू टेक सम दैट डिसीजन. इट इज अबाउट डिसीजन मेकिंग, इट इज अबाउट बींग फर्म, इट इज अबाउट स्टैंडिंग विथ योर डिसीजन नो मैटर वॉट, बींग फर्म, डिसिप्लिन्ड, गो फॉर वॉट इज राइट. पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है इससे रिलेटेड. तो जो भी डिसीजन मेकिंग वो लेना चाहता है इस रिलेशनशिप से लेके, वो थोड़ा सा बोलते ना कि डोल्ड्रम्स में है, डगमगा रहा है कि क्या करे नहीं करे. तो उसकी जो एम्परर एनर्जी भी है ना, थोड़ी सी शेक हो गई है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए. यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून उल्टा आ रहा है एंड देयर इज अ गर्ल इन दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून. तो इट लुक्स लाइक दिस रिलेशनशिप का जो डिसीजन मेकिंग, जो ये डिसीजन मेकिंग है रिलेशनशिप से रिलेटेड है, मोस्टली सुम्बुल से रिलेटेड है. प्लस वो एक डिसीजन करना चाह रहा है, एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन करना चाह रहा है अपने लाइफ में. एंड दिस लुक्स लाइक यू नो, क्योंकि यहाँ पे एक लेडी है और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, इट्स मोर लाइक यू नो समथिंग हैज गॉन रॉन्ग विद दिस लेडी. आई मीन व्हाट आई इंटेंड टू से इज दैट कि इनके रिलेशनशिप में कुछ थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग. व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स, थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग एंड ही वॉन्ट्स टू टेक डिसीजन, अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन है जो उसको लेना है. समझ रहे हो ना, वो चीजें हो रही हैं इन लोगों के रिलेशनशिप में. तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो ओवरऑल एनर्जी जो इनकी रिलेशनशिप की आई है, विच इज व्हाट, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट. अब डेविल के रहने से, आई मीन डेविल इज ऑक्यूपाइंग द मेन, जैसे ये पास्ट था, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है. जैसा कि मैंने बोला, आई एम जस्ट टेकिंग अ ओवरऑल एनर्जी. थ्री ऑफ पेंटिकल्स में तो डेफिनेटली दे वर नॉट वर्किंग टुगेदर. थ्री ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, देवर एट स्टैंड स्टिल, रिलेशनशिप एक स्टैंड स्टिल पे थी, बातचीत नहीं हो रही थी, एक दूसरे के साथ काम नहीं कर रहे थे, वो सारी चीज़ें थी पास्ट में. प्रेजेंट में क्या है, एक डेविल एनर्जी है.